अरे बाप रे, ये कौन आ गया है? क्यों डर रहा है? वो डर रहा है। वो तो बैग में बेटा। व्हाई? एक कैंडी खरीदी। अरे तुम दोनों सेम लग रहे हो यार। तुम बड़ी बहन, ये छोटी बहन। तुम ज्यादा खून पियोगे, ये कम खून पिएगी। How is it? You wanna be a pilot? आज समझ आया सबसे बड़ा रीजन कि मेरा चॉकलेट प्रोटीन इतना जल्दी क्यों खत्म होता है। अगर मैं इसे जिम मिस करता रहूंगा तो ऑफकोर्स सुबह सुबह जो मैं नाश्ता करता हूँ उसमें मेरे को चॉकलेट का पूरा एक स्कूप डालना पड़ता है, वर्सेस अगर मैं जिम जाता हूँ तो मैं अपना सॉल्टेड कैरामेल वाला फ्लेवर है वो खा लेता हूँ या वो वाला प्रोटीन पी लेता हूँ। एंड ये वाला जो जब मैं अपना शेक बनाता हूँ उसमें तो मेरे को सिर्फ 10 या 15 ग्राम ही डालना होता है चॉकलेट जस्ट फॉर द फ्लेवर। इस हफ्ते मैं मंडे के दिन पे जिम गया था सिर्फ, एंड उसके बाद ट्यूजडे नहीं गया और आज वेंसडे के दिन पे भी जिम नहीं गया हूँ, तो इसलिए आज अपना नाश्ता पी रहा हूँ ये वाला विद वन फुल स्कूप ऑफ चॉकलेट प्रोटीन। What's up guys, welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine. अब अगर आपको याद हो कल ही के दिन मैंने यहाँ पर लाइट लगाई थी बिल्कुल ऊपर के तरफ, ये नीचे गिर गई, यहाँ की तो गिरी, इस तरफ की जो लाइट थी ना ये देखो ये भी सिर्फ दो हुक पे टंगी हुई है, बाकी पूरी नीचे गिर गई है। आई थिंक वो जो हुक था ना वो लास्ट ईयर का हुक था, जो बेसिकली वैसे स्टिक ऑन वाले हुक आते जो आपने भी देखे ही होंगे, तो मैंने वो लास्ट ईयर लगाया था और उसी पे टांग दिया था, तो मुझे लगा कि इस साल भी वही काम आ जाएगा। इस साल जब मैंने लगाया तो मुझे काफी स्ट्रांग लग रहा था, मुझे लग नहीं रहा था कि वो गिर जाएगा, लेकिन एक ही दिन में लिटरली ये देखो यहाँ से आपको आई थिंक यहाँ से दिख रहा होगा, ये देखो ये यहाँ पर सिर्फ ये पीछे का छूट गया, हुक गिर गया है, यहाँ पर जितने भी हुक्स थे देखो आपको मार्क दिख रहा होगा, तो वो जो भी हुक्स थे ना वो सारे गिर गए और उस वजह से पूरी लाइट गिर गई। मैं सोच रहा हूँ कोई और तरीके से इसको फिक्स करूँ, लेकिन ये होगा कि मेरे को सामने वाले से फिर से मेरे को सीढ़ी मांगनी पड़ेगी, बिकॉज ये वाली हाइट तक तो चलो मैं पहुँच जाता हूँ, यहाँ जो पीछे की तरफ जो है ना या इस तरफ जो अगर मुझे चढ़ना होगा तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है, बट चलो कोई बात नहीं, ये भी कर लेंगे यार। होता है ना यार, दिवाली है घर में तो वो थोड़ा सा तो फीलिंग तो आना चाहिए ना यार, दिवाली तो होती है फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, तो अगर लाइट्स ही नहीं होंगे तो मजा ही नहीं आएगा अपने को दिवाली का। तो हैप्पी बर्थडे डियर मम्मा, हैप्पी बर्थडे टू यू, आर यू 10, आर यू 20, आर यू 30, आर यू 40, are you 50, are you 60, stop 60, thank you, red velvet hai, तो देखो बात $1.25 की नहीं, ये तो $1.25 का, ये तो मैं लेके आ गया डॉलर आमा से, लेकिन बात है वो मेहनत करने की, फिर से वो चढ़ना ऊपर और मेहनत करना, वो मेरे को अवॉइड करना था, लेकिन कोई बात नहीं चलो कर लेंगे। तो अभी मैं ऊपर चढ़ूंगा, ये सारा फिर से लगाऊंगा हुक्स, एंड देन उसके बाद में इसको फिर से कनेक्ट कर दूंगा, ताकि कल जब दिवाली जो है हमारी एटलीस्ट उस दिन पे तो पूरा लाइट वाइट अच्छे से सजा हुआ रहे, और एक दिन भले हमने लेट लगाया लेकिन एटलीस्ट अच्छे से लगाया वो इंपॉर्टेंट। और अगर आपको याद हो कल के वीडियो में आपको मैंने बताया था कि वो लाइट बराबर से चल भी नहीं रही थी, तो वो भी मैं चेक करूंगा, उसको भी फिक्स करने की कोशिश करूंगा अभी। तो ये देखो जो पुराना वाला था ये एक यहाँ गिरा हुआ है, एक यहाँ गिरा हुआ है, एक यहाँ गिरा हुआ है, एक वहाँ गिरा हुआ है, ये सब ने गम छोड़ दिया था और गिर गया था, और यहाँ पर फिर मैंने अभी नया वाला भी लगा दिया। इनफैक्ट इस बार जो है मैं थोड़ा सा मोटा वाला लाया हूँ ताकि वो वजन अच्छे से ले सके, और मेन प्रॉब्लम ये होता है ना वेदर, अभी ये ठंडी में ऐसा रहेगा तो आपको उसका गम जो है वो थोड़ा वीक हो जाता है, तो अगले साल फिर लाना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं वो कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए मैंने इस साल के लिए कर लिया कि भाई एटलीस्ट ये वाला लगा रहे तो बढ़िया रहेगा। जैसे ये देखो पुराना वाला निकाल के मैंने यहाँ पर नया वाला लगा दिया और यहाँ पर भी सेम वैसा ही किया, तो एक घंटा लगा मेरे को पूरा ये सेटअप करने के लिए, एक्चुअली एक घंटे से ज़्यादा ही लगा है, क्योंकि मैंने क्या हो गया ना, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ मैंने क्या सेटअप किया है, ये पूरा एंड तक अगर आप देख रहे हो मैंने एंड तक लगा दिया है, एंड यहाँ पर भी अगर आपको याद हो लाइट यहाँ की ख़राब हो गई थी वो भी मैंने पूरी सेट कर दी, लेकिन उसी के साथ ही साथ मैंने और दो काम किया है। सबसे पहला काम तो मैंने ये किया कि देखो यहाँ पर भी मैंने लाइट लगा दी, ये ऐसे जो रेलिंग है उसके ऊपर, एंड विंडो जो है उसके ऊपर भी लाइट लगा दी। मैंने ढूंढा तो मेरे पास एक बॉक्स एक्स्ट्रा और पड़ा हुआ था लाइट्स का, तो मैंने वो सब लगा दिया यहाँ पे, मुझे लगा चलो ठीक है। और पंगा क्या, वो पता है एक घंटा क्यों लग गया, एक घंटे से ज़्यादा ही लगा, मुझे लगता है डेढ़ घंटा तो लग ही गया ये करते कराते, क्योंकि वो जो हुक्स थे ना वो खत्म हो गए थे, तो मैं फिर से गया डॉलर आमा, वहाँ से जाके लेके आया मैंने हुक्स, और इस बार एक नहीं दो पैकेट हुक लेके आया, मैंने कहा दो पैकेट हुक रहेंगे एक्स्ट्रा रहेंगे कोई बात नहीं अगले साल काम आ जाएंगे, लेकिन कम पड़ेंगे तो फिर से भागना पड़ेगा, वो मेरे को अवॉइड करना था क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। ये पूरा सेटअप हो गया, तो मतलब अभी दिवाली के लिए तो घर सेट है, लेकिन एक और फेस्टिवल दिवाली के साथ है जिसके लिए हमने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की हुई है। व्हाट इज इट टिकी, व्हाट इज इट,
ये आई थिंक वो हवा से इन्फ्लेट होके काइंड ऑफ साइन बोर्ड है। क्या मजा आया था टिक्की को। टिक्की अंदर आ जा, टिक्की आ जा बच, वो बार बार बाहर भाग रहा है, पता है। टिक्की आ जा, अंदर आ जा। अरे बाप रे, ये कौन आ गया है? टिक्की वो डर रहा है, वो डर रहा है, वो बड़ी मुश्किल से उसको मना के अंदर लेके आए हम लोग। वो अंदर आने को ही रेडी नहीं है ना। सो हम लोग अभी आए हुए हैं स्पिरिट हैलोवीन। ये एक जगह है यहाँ पे हमारे घर के बिल्कुल पास में ही है, और यहाँ पर बहुत सारा हैलोवीन की चीज़ें मिलती है। अभी देखो कल है दिवाली, कल है हैलोवीन, तो ऑफकोर्स थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन तो बनता ही है। दिवाली का भी बनता है ऑफकोर्स, एंड हैलोवीन का भी बनता है। तो थोड़ा सा हैलोवीन का दिखाने के लिए बच्चों को ले यहाँ पे लेके आए हैं। क्या मजा आ रहा है ना उसको। यहाँ पे बहुत सारी स्पूकी स्पूकी चीजें हैं भाई। ये देखो चकी, आई डोंट नो ग्लेन, अच्छा सबके नाम है यहाँ पे। एंड बहुत सारे मतलब कॉस्ट्यूम्स हैं यहाँ पर। और ये काफी बड़ा स्टोर है भाई, ये देखो कितना बड़ा स्टोर है ना। चल हम फर्स्ट टाइम आए ना यहाँ पे, हम लोग पहले कभी आए नहीं है। यहाँ पे देखो लड़कियों के लिए अलग सेक्शन है गर्ल्स का, एंड सिमिलरली बॉयज का भी सेक्शन यहाँ कहीं होना चाहिए। होम डेकोर है वहाँ पे, बच्चे पता नहीं कहाँ हैं। और यहाँ पे टिक्की के लिए बहुत अच्छा है ना ये जंप सूट, डेविल जंप सूट है ये। वैसे इसका प्राइस कितना है? आई नो, वैसे इसका प्राइस कितना है वो देखो ना, प्राइसिंग का कुछ पता नहीं है यहाँ पे। ये देखो ना, जैसे ये वाला है, हाँ ये वाला 1298 का, ओके $13 $60 is too much for this यार। पहनना साल में एक दिन है खाली, वो भी 60 का है। और ये हैलोवीन के ट्रिक और ट्रीट बास्केट्स हैं यहाँ पे, जो बच्चे लेके घूमेंगे कल। तो खाली केप है। ओ, ये ड्रेस नहीं है पूरा, सिर्फ केप, ये ब्लैक कलर का। बहुत महंगा है यार ये सब तो। ये पता है क्या कर रहे हैं? देखो लाइन जैसे बकेट लगा रहे हैं, मेरे को पता है किस चीज की याद आ रही है। अभी टैंकर आने वाला है और पानी भरने के लिए खड़ा रहेगा लाइन में ये। होता है ना ऐसे काफी जगह पे कि भैया लाइन में से बकेट लगे रहते हैं बॉम्बे में। टूटू बार बार एक 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 नया नया आइटम निकालती है। पहले बोलती है उसको ये बनना है, डेविल बनना है। फिर क्या बोला उसने, वो बीटल जूस, कहाँ गया वो बीटल जूस? आई यू जस्ट वॉन्टेड टू शो, बट उसने बताया था ये रही बीटल जूस, ये है बीटल जूस, देखो ये बनना है। फिर अभी कुछ नया लेके आई, कौन सा वाला है? को ये बनना है आपको, क्या बनना है? ये देखो, व्हाट इज दैट, व्हाट इज इट, मॉन्स्टर है, यस। और ये देखो कितने का है वैसे, अगेन मैं देखूं तो सब बहुत महंगा महंगा है यार, $60 का। Just to wear it once. Exactly. अगले साल वो लोग सेम नहीं पहनेंगे ना, वो लोग को अलग बनना रहेगा कुछ अगले साल। $40 का बहुत महंगा है यार। This, और ये देखो कितने का है? $75 का, too much man, very expensive टूटू बेटा। अरे बाप रे, आवाज कुछ तो बोल रही है, क्या गा रही है समझ में नहीं आ रहा है, बट कितनी डरा। अरे तुम लोग दोनों सेम लग रहे हो यार, बहने लग रहे हो तुम लोग दोनों। तुम बड़ी बहन ये छोटी बहन, तुम ज्यादा खून पियोगे ये कम खून पिएगी। तुम ज्यादा बात कर रहे हो। ओह माय गॉड, लुक एट दिस स्पाइडर, सो स्केरी। केज में भी है, और यहाँ पर देखो ये एक कौवा भी है। क्या ये कौवा है ना? काला कौवा, सच बोल वरना काला कौवा काट खाएगा, है ना। तो भाई देखो हम लोग वहाँ से निकल गए स्पिरिट हैलोवीन से, बिकॉज वहाँ पर एवरीथिंग भाई इतना महंगा, इतना महंगा, लिटरली $80-90 डालना सिर्फ एक दिन के लिए, वो भी दो चार घंटे के लिए, इज एब्सोल्युटली नॉट वर्थ इट। मतलब कुछ भी हो यार, बहुत एक्सपेंसिव है वो, तो हमने वो नहीं लिया। अब हम आ गए डॉलरामा, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी सारा हैलोवीन का सामान मिलता ही है, जैसे आपको दिखा दिया, तो वही देखेंगे यहाँ पर कुछ अगर सस्ते में मिल जाएगा कि यू नो वो हिसाब से कुछ खरीद लेंगे, बट अदरवाइज वो दैट वाज वेरी एक्सपेंसिव मैन। वो इतना पैसा मेरे को लगता है यहाँ के लोग भी नहीं डालते रहेंगे, जबकि उनका फेस्टिवल है। शायद डालते भी हो यार, क्या पता, लेकिन हम तो नहीं डालेंगे भाई इतना। कहाँ गए, चल कहाँ चले गई, वॉट प्लीज, क्या चाहिए। बड़ा स्मार्ट हो गया है, उसको पता है जब जब प्लीज़ बोलते उसको चीज़ें मिल जाती है। तो ये स्किटल्स मांग रहे हैं, नहीं 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 मीठा मीठा नहीं, बस बहुत मीठा खाते हो आप लोग, इतना मीठा खाने की जरूरत नहीं है। अरे बाप रे, रोने लग गया यार। ये ऐसे बैठ गया ना दुकान में, मेरे को ना वो याद आ रहा है जब मेरा भाई छोटा हुआ करता था ना, वो भी ऐसे ही करता था। ये मेरे को सेम मेरे भाई की याद दिलाता है। आजा, वो भी किसी भी स्टोर में जाओ, उसको अगर हम लोग कुछ नहीं दिलाते थे, मतलब हम लोग मतलब मेरे मॉम डैड कुछ नहीं दिलाते थे, तो वो बड़ा रोता था, इसी दुकान में फैल जाता था। तो यहाँ पे भी देखो बहुत सारी चीज़ें, ऐसे ऑर्नामेंट्स वगैरह जो भी बोल लो इसको, एंड यहाँ पर ड्रेसेस भी हैं, एंड ये सब अपना $4-5 देखो, $4.25,
ये वाला भी कोई तो ड्रेस है, ये भी वही होगा $4-5 बिकॉज ये भी देखो। अरे वाह क्या बात है, मस्त लग रही है ना। तो ये सब भाई सस्ता है यार, ये $5-5 इज गुड। अच्छा ये खाली टोपी है, ये ऐसे टोपी है विच इज़ नॉट बैड, बट ठीक है थोड़ा बहुत मिक्स एंड मैच करके कुछ ना कुछ कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि $80-90 का ख़रीदना है। हाँ वो ब्लाइंड डेट पे चले हम लोग, ऐसा लग रहा है। क्या बात है वाह, ब्लाइंड डेट आई विल एक्सप्लेन यू आफ्टरवर्ड्स। आप लोग बिलीव नहीं करोगे इसने क्या किया। तूफान देखो इस लड़के की, इतना सारा सामान ये सब इसमें डब्बे में से निकाल के यहाँ पे बैठ गए। तो मैंने आंचल को बोला कि एक काम करें आंचल, वो जाए जाके शॉपिंग करे, तो वो दूसरे आइल में चले गई है टूटू के साथ, वो लोग शॉपिंग कर रहे हैं और मैं यहाँ पर इसको देख रहा हूँ। इसको उठाऊँगा यहाँ से तो चिल्लाएगा और रोएगा, और अगर मैं इसको ऐसे खेलने दूंगा अकेला, कोई स्टाफ आएगा वो बोलेगा भाई ये क्या है, और उनका भी बोलना लाजमी है यार। ऐसे कोई भी बच्चा अगर करेगा, बताओ आप अगर स्टोर में, तो फिर कौन सहेगा ये सब। तो इसीलिए भी इसको मैं देख रहा हूँ। टिक्की रख, कीप इट बैक ना बेटा। व्हाई प्ले द दैट? अच्छा यू प्ले बट आफ्टरवर्ड्स यू प्ले, नो नाउ कीप इट बैक इन द बॉक्स, लेट मी सी, कैन यू कीप इट बैक? नो नो भाई आजकल के बच्चे नो, स्ट्रेट नो आता है इनको। एक क्विक स्नीक पीक आपको दिखा देता हूँ भाई क्या क्या लेके आए। देखो हम डॉलरामा से हम कितना समझा रहे थे टूटू को, आई थिंक हमसे ज्यादा मतलब आंचल बहुत समझा रही थी टूटू को कि बेटा आप डॉलरामा चलो, वहां पर अच्छा मिलेगा, सस्ता मिलेगा और मम्मा कुछ ना कुछ मिक्स एंड मैच करके बना देंगे। तो हमने लिया तो है, वो अभी क्या लिया है वो तो आपको मैं कल दिखाऊंगा, क्योंकि जब वो पूरी तरह से रेडी होगी स्कूल में जाने के लिए तो उस वक्त थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूंगा, तो आपको पता चल जाएगा उसने क्या क्या बन रही है वो। लेकिन एक हल्का सा स्नीक पीक मैंने आपको दे दिया है। उसी के साथ ही साथ वैसे हमने कितने का लिया आंचल, क्या क्या ये जो हमने डॉलरामा से सामान खरीदा, मुझे लगता है अराउंड $20 में पूरा सेट बन गया ना इसका। और टॉप अलग से लिया है, टॉप तो शी कैन वेयर आफ्टरवर्ड्स आल्सो, इट्स अ नॉर्मल ब्लैक टी-शर्ट। हां तो टी-शर्ट मतलब टॉप जैसा है, क्यूट है वो, तो नॉर्मल शी कैन वेयर विद एनी स्कर्ट शॉर्ट जीन्स तो कल पहन सकती है, तो वो आई विल नॉट कॉल कि वो, क्योंकि अगर वो कॉस्ट्यूम लेती तो वो वेस्ट था, वो एक बार ही पहनेगी। और कितना महंगा वो $70-80 का कॉस्ट्यूम था सारा यार, आई एम नॉट बाइंग दैट फॉर श्योर। आई नो, तो वो तो चलो एटलीस्ट उससे बच गए, डॉलर में अच्छा अच्छा चीज मिल गया हमको विच इज अ प्रीटी गुड थिंग। तो कल वो पहनेगी जब रेडी होगी तो ऑफकोर्स आपको आपको भी दिखाएंगे। और एक और चीज हमने, इनफैक्ट हमने टोटल डॉलर में कितना स्पेंड किया, $30-32 स्पेंड किया, $31 स्पेंड किया, जिसमें से कि $10-15-20 जैसे आंचल ने बताया वॉज फॉर द कॉस्ट्यूम। बाकी का $10 का हमने खरीदा है थोड़ा सा नहीं ढेर सारा जंक, मैं बोलूंगा थोड़ा सा नहीं है, इसका है पार्टी इन अ बैग, जो आपको आज आई थिंक टूटू ही समझेगी। टूटू क्या है बेटा ये? सो टुमॉरो इज हैलोवीन, वी आर गोना वेयर कॉस्ट्यूम्स टू स्कूल टू ऐड इट अ बिट मोर फन। वी हैव पार्टी इन अ बैग, आई हैव हैड इट अ फ्यू टाइम्स, इट्स लाइक द स्कूल विल गिव यू अ बैग टू डेकोरेट इट एंड देन यू टेक इट होम, यू विल फिल इट इन विद ट्रीट्स, द नेक्स्ट डे एट स्कूल you will bring it and at some particular period you can take all the things out and eat them and some people even pass out stuff and I can assure you my design that I did. yeah sure yes kya design banaya hai? Happy Diwali, I did like rangoli and diyas and pray hands. Can I see it? Ek map dikha nahi rahe ho ha, happy Diwali ke liye ye aise mast rangoli diya banaya hai usne, okay, and iske piche and here it's for happy Halloween. These are two monsters. This one's a skeleton and this one's Frankenstein. These are evil faces, pumpkins and goodies. Trick or treat. Very nice. तो भाई कोई बहुत ज़्यादा excited है तो इस bag में भरने के लिए, I'm sure आपने पहले भी देखा होगा हमने ये किया हुआ है, मतलब हमने in the sense हमने ये bag बना के टूटू को दिया हुआ है, टूटू स्कूल ले गई है और उसने वहाँ पर भी खाया है, तो आपने कभी ना कभी तो पहले किसी ना किसी ब्लॉग में देखा ही होगा। अगर नहीं देखा होगा तो ये फर्स्ट ऑफ अ काइंड आपको दिखा देते हैं। इसमें इसने बहुत सारा जंक खरीदा है डॉलरामा से, चॉकलेट्स खरीदा, जूस बॉक्स खरीदा और भी दो चार चीजें खरीदी है, सब मीठा मीठा मीठा, मतलब कैंडी खरीदा उसने, चिप्स खरीदा, हाँ एक कैंडी खरीदी और एक कैंडी खरीदी और एक कैंडी खरीदी, तो बस यही सब खरीदा उसने। बट नहीं चलो बढ़िया यार, बच्चे कुछ ना कुछ इन्जॉय करेंगे, टाइम पास करेंगे स्कूल में और क्या। एंड ये फेस्टिवल वाला जो चीज़ है ये आई थिंक यहाँ पे इज इन दी एयर, ये टाइम पे इतने सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं ना, हमारे फेस्टिवल्स हैं, इनके फेस्टिवल्स हैं, इनके मतलब यहाँ के इस कंट्री के यहाँ के लोकल फेस्टिवल्स हैं, तो बच्चों की चांदी लग गई है इसमें।